सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? क्या फिल्म में होगा एरियल एक्शन सीन? दीपिका पादुकोण की किस फिल्म की हुई स्पेशल स्क्रीनिंग? क्या होता है एरियल एक्शन? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही फिल्म फाइटर आए दिनों चर्चाओं में रहती है। फिल्म में बॉलीवुड की क्वीन दीपिका पादुकोण सिंह और हैंडसम हंक ऋतिक रोशन लीड रोल में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतते हुए नजर आएंगे। फिल्म में फीमेल लीड में काम कर रही दीपिका पादुकोण इन दिनों सुर्खियों में हैं और उनकी यूं लगातार सुर्खियों में बने रहने की वजह है उनकी अपकमिंग फिल्म गहराइया। उनकी ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी और फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और धैर्या कारवा नजर आएंगी। दीपिका की इस फिल्म की मुंबई में मेकर्स ने कल रात को स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई थी, जिसे बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने अटेंड किया था। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के मौके पर दीपिका नियॉन कलर की शॉर्ट पेंसिल स्कर्ट और ब्लैक टैंक टॉप के साथ ब्लैक कलर का ब्लेजर पहने नजर आई। वहीं अनन्या पांडे, सोनाक्षी सिन्हा, कपिल शर्मा के साथ कई अन्य कलाकार फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में मौजूद थे। दीपिका जल्द ही अपने सभी कामों से फ्री होकर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर की शूटिंग शुरू कर देंगी। वो फिल्म में कई एक्शन सीन्स करती हुई दिखाई देंगी। साथ ही आपको बता दें कि सिद्धार्थ साहब की ये फिल्म आम एक्शन फिल्मों से पूरी तरह अलग होने वाली है। फिल्म में ऑडियंस को एरियल एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एरियल एक्शन सीन्स क्या है। चलिए हम बताते हैं आपको कि ये एरियल एक्शन क्या होता है। दरअसल एरियल एक्शन फिल्म में एक्टर्स कई स्टंट और एक्शन सीन्स किसी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन की मदद से करते हैं। और इतना ही नहीं, एरियल एक्शन फिल्म में शूट भी एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर की मदद से ही होती है। इस प्रकार की फिल्में करना थोड़ा खतरनाक होता है। फिल्म में काम कर रहे एक्टर्स के लिए भी खतरनाक होता है। फिल्म की शूटिंग कर रहे सिनेमेटोग्राफर के साथ साथ फिल्म के क्रू के लिए भी। मेकर्स ने फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी है और इस साल के अंत तक वो फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। साल 2023 की 26 जनवरी को ये फिल्म रिलीज की जाएगी। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिल्मी दुनिया की बाकी सभी अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियो से। यहाँ हम देंगे आपको बॉलीवुड के फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते कीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। धन्यवाद।